हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हाजिर हूँ एक और अमेजिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर। आज का एक्सपेरिमेंट बड़ा मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक लिक्विड पड़ा हुआ है, एक बाउल पड़ा हुआ है और कुछ थर्मोकोल के ग्लास पड़े हुए हैं। इन्हें आप डिस्पोजेबल ग्लास के तौर पर भी यूज़ करते हैं। आज का एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल होने वाला है। आपके घर में यूज़ होने वाला एक सोल्यूशन है जिसके अंदर ये थर्मोकोल के ग्लास पिघल जाते हैं और एक ग्लू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कौन सा सोल्यूशन है ऐसा, लेट्स चेक इट आउट। तो आज का एक्सपेरिमेंट बड़ा मज़ेदार होने वाला है। इस एक्सपेरिमेंट को देखें, लास्ट तक देखें, इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न्स, अपने दोस्त अहबाब, अपने हलके में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की साइंस की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चलें, अभी चलते हैं हम एक्सपेरिमेंट की तरफ। वेलकम बैक। तो आज के एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, पहले एक गिलास यूज़ करते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं इसके हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये हमारे पास है जी पेट्रोल। क्या है पेट्रोल? तो हम सबसे पहले पेट्रोल को इसके अंदर डालेंगे। तो इसके अंदर डालने की देर है, ये देखें, ये पेट्रोल ने इसे साथ ही गला दिया, इसे खा गया, सिंक कर गया। अभी हम बाकी इसके अंदर पेट्रोल डाल लेते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 100 ml ऑफ पेट्रोल, और हम देखेंगे इसके अंदर कितने ग्लास हम गला सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। तो ये देखेंगे कितने सारे, ऑलमोस्ट 10। ओह, ये हमारे से पहले ही बहुत जल्दी है इन्हें गलने की, देख लेते हैं। वाह वाह, नज़दीक लाओ बे, नज़दीक लाओ, दिखाओ उन्हें, ये देखें ये कैसे कर रहे हैं। वाह 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 वाह, वाह, ये देखें ज़रा, ये पेट्रोल तो इसे खा ही जा रहा है। वाह, ये वो थर्मोकोल के गिलास हैं जो आप चाय पीने के लिए यूज़ करते हैं। आइंदा के बाद कभी भी इन गिलास को पेट्रोल के या गैसोलीन के करीब मत लाइएगा, वरना ये ग्लू की शक्ल इख्तियार कर देंगे। अभी कुछ हम थोड़े से गिलास लेते हैं, थोड़े थोड़े करके हम इसमें ऐड करते हैं। ये तकरीबन 100 ग्राम था, 100 ग्राम के अंदर ये डिप करने से देख कैसे ये मेल्ट होते जा रहे हैं। ये सब केमिस्ट्री है, ये सब साइंस, और ये अमेजिंग साइंस आपके आसपास भी यूज़ हो रही है डेली में, अगर आप इन्हें गौर करें। अगर आपको आज का रिएक्शन अच्छा लगा, आज का एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को भी देख सकें। और इस तरह की मैं वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूँगा। आप देख सकते हैं ये तकरीबन 20 से 30 गिलास इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं, और ये मेल्ट होते ही जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ये ग्लू से बना रहे हैं। ये जो आपके थर्मोकोल गिलास थे, ये ग्लू की शक्ल इख्तियार करके। कुछ और लेते हैं हम गिलास, देखते हैं। ओ वाह, ये तो इन्हें भी खा रहा है। ये तो इन्हें खा ही जा रहा है, ये इसमें सिंक हो रहे हैं और इसके डिज़ोल्व होते जा रहे हैं। इतनी जल्दी तो नमक भी पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाओगे। तो ये देखें, ये आज के एक्सपेरिमेंट के बाद ये ग्लू हमें मिली है, प्लास्टिक आप इसे कह सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास पेट्रोल अभी भी अवेलेबल है, हमारे पास कुछ गिलास अभी भी मौजूद हैं। इन्हें भी अगर हम इसमें डिप कर दें तो ये पेट्रोल इन्हें भी खा जाएगा। तो आज का एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे किया? अगर नहीं किया तो लाजमी करिएगा। इस तरह के साइंटिफिक काम और इस तरह के थोड़े से बेढंगे से और बड़े ज़रा रजबनाक से काम घर में ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आपके घर वालों से डांट पड़े। मजाक कर रहा हूँ, इस तरह के काम घर में मत कीजिएगा। बच्चों की पहुँच से इन चीज़ों को दूर रखिएगा और अपना और अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखिएगा। और COVID-19 से बचें, यह बड़ा ही मोहलिक मर्ज़ है। वैक्सीनेशन की तरफ जाएं, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया।